नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तो भैया मूंग की बर्फी खाने को जी नहीं चाहता, यह साग तो बड़ा ही चटकीला है। मैं तो नहीं नहीं जगन्नाथ, उसे दो बर्फी तो जरूर ही दे दो। ना ना ना, क्या करते हो, मैं गंगा जी में फेंक दूंगा। लो तब मैं तुम्हें कोल्टा देता हूँ, ललित ने कहकर किशोर की गर्दन पकड़ ली। दीनता से भोली और प्रेम भरी आंखों से चंद्रमा की ज्योति में किशोर ने ललित की ओर देखा। ललित ने दो बर्फी उसके खुले मुख में डाल दी। उसने भरे हुए मुख से कहा, भैया अगर ज्यादा खाकर मैं बीमार हो गया। ललित ने उसके बर्फ के समान गालों पर चपत लगाकर कहा, तो मैं सुधा बिंदु का नाम गरल धारा रख दूंगा, उसके एक बूंद में 17 बर्फी पचाने की ताकत है। निर्भय होकर भोजन और भजन करना चाहिए। शरद की नदी अपने करारों में दबकर चली जा रही है, छोटा सा बजरा भी उसी में अपनी इच्छा से बहता हुआ जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। चांदनी निखर रही थी, नाव की सैर करने के लिए ललित अपने अतिथि किशोर के साथ चला आया है। दोनों में पवित्र सौहार्द है। जाह्नवी की धवलता आ दोनों की स्वच्छ हंसी में चंद्रिका के साथ मिलकर एक कौतूहलपूर्ण जगत को देखने के लिए आवाहन कर रही है। धनी सनातन ललित अपने वैभव में भी किशोर के साथ दीनता का अनुभव करने में बड़ा उत्सुक है। वह सानंद अपनी दुर्बलताओं को, अपने अभाव को, अपनी करुणा को उस किशोर बालक से व्यक्त कर रहा है। इसमें उसे सुख भी है, क्योंकि वह एक ना समझने वाले हिरण के समान बड़ी बड़ी भोली आंखों से देखते हुए केवल सुन लेने वाले व्यक्ति से अपनी समस्त कथा कहकर अपना बोझ हल्का कर लेता है, और उसका दुख कोई समझने वाला व्यक्ति ना सुन सका, जिससे उसे लज्जित होना पड़ता, यह उसे बड़ा सुयोग मिला है। ललित को कौन दुख है, उसकी आत्मा क्यों इतनी गंभीर है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे सब वस्तु की पूर्णता है। जितनी संसार में साधारणता चाहिए, फिर भी उसकी नील नीरद माला सी गंभीर मुखाकृति में कभी कभी उदासीनता बिजली की तरह चमक जाती है। ललित और किशोर बात करते करते, हंसते हंसते अब थक गए हैं। विनोद के बाद अवसाद का आगमन हुआ। पान चबाते चबाते ललित ने कहा, चलो जी अब घर की ओर। मांझियों ने डाढ़ लगाना आरंभ किया। किशोर ने कहा, भैया कल दिन में इधर देखने की बड़ी इच्छा है, बोलो कल आओगे। ललित चुप था। किशोर ने कान में चिल्ला कर कहा, भैया कल आओगे ना। ललित ने चुप्पी साध ली। किशोर ने फिर कहा, बोलो भैया, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर दबाने लगूंगा। ललित पैर छूने से घबरा कर बोला, अच्छा तुम कहो, किसी देर हमको अपनी सूखी रोटी खिलाओगे। किशोर ने कहा, मैं तुमको खीर मोहन दिलखुश। ललित ने कहा, ना ना ना, मैं तुम्हारे हाथ से सूखी रोटी खाऊंगा, बोलो स्वीकार है, नहीं तो मैं कल नहीं आऊंगा। किशोर ने धीरे से स्वीकार कर लिया। ललित ने चंद्रमा की ओर देखकर आंख बंद कर ली। बरौनियों की जाली से इंदु की किरणें घुसकर फिर कोर में से मोती बन बनकर निकल भागने लगी। यह कैसी लीला थी, 25 वर्ष के बाद कोई उसे अघोरी कहते हैं, कोई योगी। मुर्दा खाते हुए किसी ने नहीं देखा है, किंतु खोपड़ियों से खेलते हुए, उसके जोड़ की लिपियों को पढ़ते हुए, फिर हंसते हुए कई व्यक्तियों ने देखा है। गांव की स्त्रियां जब नहाने आती हैं, तब कुछ रोटी दूध बचा हुआ चावल लेती आती हैं, पंचवटी के बीच में झोपड़ी में रख जाती हैं। कोई उससे यह नहीं पूछता वह खाता है या नहीं। किसी स्त्री के पूछने पर, आज कुछ खाओगे, अघोरी बालकों की सी सफेद आंखों से देखकर बोल उठता, माँ। युवतियां लजा जाती, वृद्धाएं करुणा से गदगद हो जाती, और बालिकाएं खिलखिलाकर हंस पड़ती। तब अघोरी गंगा के किनारे उतरकर चला जाता, और तीर पर से गंगा के साथ दौड़ लगाते हुए कोसों चला जाता। तब लोग उसे पागल कहते थे, किंतु कभी कभी संध्या को संतरे के रंग से जब जाह्नवी का जल रंग जाता है और पूरे नगर की अट्टालिकाओं का प्रतिबिंब छाया चित्र का दृश्य बनाने लगता, तब भाव विभोर होकर कल्पनाशील भावुक की तरह
वही पागल निर्निमेश दृष्टि से प्रकृति हाथों से बनाए हुए कोमल कारीगरी के कमनीय कुसुम को, नन्हे से फूल को बिना तोड़े हुए उन्हीं घासों में हिलाकर छोड़ देता और स्नेह से उसी ओर देखने लगता, जैसे वह उस फूल से कोई संदेश सुन रहा हो। शीतकाल है, मध्याह्न है, सवेरे से अच्छा कोहरा पड़ चुका है। 9 बजने के बाद सूर्य का उदय हुआ है। छोटा सा बजरा अपनी मस्तानी चाल से जाह्नवी के शीतल जल में संतरण कर रहा है। बजरे की छत पर तकिए के सहारे कई बच्चे और स्त्री पुरुष बैठे हुए जल विहार कर रहे हैं। कमला ने कहा, भोजन कर लीजिए, समय हो गया है। किशोर ने कहा, बच्चों को खिला दो, अभी और दूर चलने पर हम खाएंगे। बजरा जल से कल्लोल करता हुआ चला जा रहा है। किशोर शीतकाल के सूर्य की किरणों से चमकती हुई जल लहरियों को उदासीन अथवा स्थिर दृष्टि से देखता हुआ न जाने कब की और कहाँ की बातें सोच रहा है। लहरें क्यों उठती हैं और विलीन होती हैं? बुदबुद और जल राशि का क्या संबंध है? मानव जीवन बुदबुद है कि तरंग? बुदबुद है तो विलीन होकर फिर क्यों प्रकट होता है? मलिन अंश, फैन, कुछ जल बिंदु से मिलकर बुदबुद का अस्तित्व क्यों बना देता है? क्या वासना और शरीर का भी यही संबंध है? वासना की शक्ति कहाँ कहाँ किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुई जीवन को अमृत गरल की संगम बनाती हुई अनंत काल तक दौड़ लगाएगी? कभी अवसान होगा, कभी अनंत जल राशि में विलीन होकर वह अपनी अखंड समाधि लेगी। है क्या सोचने लगा, व्यर्थ की चिंता, उफ। नवल ने कहा, बाबा ऊपर देखो, उस वृक्ष की जड़ें कैसी अद्भुत फैली हैं। किशोर ने चौंक कर देखा, वह जीर्ण वृक्ष कुछ अनोखा था। और भी कई वृक्ष ऊपर के करारे को उसी तरह घेरे हुए हैं। यहाँ अघोरी की पंचवटी है, किशोर ने कहा, नाव रोक दें, हम यहीं ऊपर चलकर ठहरेंगे, वही जलपान करेंगे। थोड़ी देर में बच्चों के साथ किशोर और कमला उतरकर पंचवटी के करारे पर चढ़ने लगे। सब लोग खा पी चुके, अब विश्राम करके नाव की ओर पलटने की तैयारी है। मलिन अंग किंतु पवित्रता की चमक, मुख पर रुद्र केश, कौपीन धारी एक व्यक्ति आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। मुझे कुछ खाने को दे दो, दूर खड़ा हुआ गांव का एक बालक उसे मांगते देखकर चकित हो गया। वह बोला, बाबूजी यह पंचवटी के अघोरी हैं। किशोर ने एक बार उसकी ओर देखा और कमला से कहा, कुछ बचा हो तो इसे दे दो। कमला ने देखा तो कुछ पराठे बचे थे, उसे निकाल कर दे दिया। किशोर ने पूछा, और कुछ नहीं है? उसने कहा, नहीं। अघोरी उस सूखे पराठे को लेकर हंसने लगा, बोला, हमको और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक खेलते हुए बच्चे को गोद में उठाकर चूमने लगा। किशोर को बुरा लगा, उसने कहा, उसे छोड़ दो, तुम चले जाओ। अघोरी ने हताश दृष्टि से एक बार देखा और बच्चे को रख दिया। उसकी आंखें भरी थी। किशोर को कौतूहल हुआ, उसने कुछ पूछना चाहा, किंतु वह अघोरी धीरे धीरे चला गया। किशोर कुछ अव्यवस्थित हो गए। वह शीघ्र नाव पर सबको लेकर चले आए। नाव नगर की ओर चली, किंतु किशोर का हृदय भारी हो गया था। वह बहुत विचारते थे, कोई बात स्मरण करना चाहते थे, किंतु वह ध्यान में नहीं आती थी। उनके हृदय में कोई भूली हुई बात चिकोटी काटती थी, किंतु वह विवश थे, उन्हें स्मरण नहीं होता था। मात्र स्नेह से भरी हुई कमला ने सोचा कि हमारे बच्चों को देखकर अघोरी को मोह हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।